लेडीज एंड जेंटलमैन, माइक टेस्टिंग 1 2 3, लेट्स गो। प्रभास सर की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सलार का टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है सुबह के 5:12 पे। अब उन लोगों ने ये स्पेसिफिक टाइम ही क्यों यूज किया, इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। अगर बैकग्राउंड में किसी चीज की आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर करना क्योंकि मोटर चल रही है। एंड यू नो वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। दोस्तों देखो, हम सुबह के 4 तक फोन चला रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अब 1 क्या ही सोना है, सलार का टीजर देख के आराम से मस्त सो जाऊंगा। तुम लोगों ने भी इसका टीजर सुबह के 5:12 पर ही देखा है, चूल्हे सन तुम्हारा भाई चूतिया कट चुका है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है हमको। टीजर पूरा काट छाट के सिर्फ 1.5 का ही बचता है, और इस पूरे 1.5 में प्रभास सर का फेस तक रिवील नहीं किया गया। अब बहन जो सुबह के 5 उठ के टीजर देख रहा हूँ, सर कम से कम फेस तो दिखा देते, और दिखाया क्या, सिर्फ मुट्ठी, व्हाट द फक ब्रो। लेकिन कोई नहीं, जितना माल भी इन लोगों ने दिखाया है, लोगों को अच्छा खासा एक्साइटेड कर दिया है फिल्म के लिए। टीजर होता ही है ऑडियंस को टीज करने के लिए, जो कि ऑडियंस हो चुकी है। अगर बात करें टीजर की, तो टिन्नू आनंद नैरेट कर रहे होते हैं कि चीता शेर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन भैया जुरासिक पार्क में नहीं। तभी एंट्री होती है प्रभास सर की, जो सबको धुएं में ही पेल रहे हैं। अगर इसका टीजर तुम 4K में देखोगे तो हर एक शॉट तुमको इसका सॉलिड लगेगा। इसका कलर टोन KGF से थोड़ा सा चेंज लगता है, क्योंकि KGF 2 में थोड़ा सा डार्क येलोइस दिखाया गया, लेकिन ये फिल्म 100% KGF यूनिवर्स का ही है। पूछोगे कैसे, तो आ जाओ बताता हूँ। तो तुम इस लड़के को तो जानते ही होगे, इसको अधीरा ने ब्रिज पे मार दिया था, ये हम लोगों को दिखाया गया था। और इस लड़के की माँ को भी तुम अच्छे से देख ही लो। इस एक्ट्रेस का रियल नेम है इसवारी राव। सलार के विकिपीडिया पेज को खोलोगे और उसके कास्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है इसवारी राव एज सलार मदर। तुम गूगल पे सलार के मीनिंग को सर्च करोगे तो वहाँ पे दिखाया गया है कि सलार एक मुस्लिम लड़के का नाम होता है, जिसका मतलब होता है लीडर, चीफ या कमांडर, या फिर राजा का दाहिना हाथ। और हम सबको पता है कि राजा हमारे रॉकी भाई ही है। और एक बार तुम गौर से लड़के के गले में देखो, लड़के ने एक तावीज पहना हुआ है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक मुस्लिम था। सलार कैरेक्टर भी एक मुस्लिम ही है, और इसके सारे क्रू मेंबर भी KGF वाले ही है। रही बात इसके सुबह 5:12 पे टीजर रिलीज करने का, KGF 2 के क्लाइमेक्स में जब रॉकी भाई पे अटैक होता है, वहाँ पे एक घड़ी था जिसका टाइम 5:12 ही था, और इन लोगों ने अपना टीजर भी 5:12 पे ही रिलीज किया है। या इतनी सारी चीजें को इंसिडेंस नहीं हो सकती, तुम लोग तैयार रहना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि रॉकी भाई का कैमियो हम लोगों को दिख सकता है सलार में। प्रभास सर का करियर फिर से ट्रैक पे आने वाला है, क्योंकि पास्ट में इनकी कुछ फिल्में बहुत ही ज्यादा बुरी पिटी है, और आदि पुरुष को तुम लोग तो इग्नोर ही कर देना। अगर किसी दूसरे एक्टर का इतने बजटों वाला फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप होता तो उसका करियर अभी तक डूब चुका होता, लेकिन प्रभास सर की स्टारडम इतनी तगड़ी है कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और मैं लिख के देता हूँ कि सलार धूम मचाने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। तो भैया हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। तुम बताओ कि सलार के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय श्री राम।